वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है कि किसी भी पेज को पलटने का सही तरीका क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जब भी पेज पलटने की कोशिश करते हैं तो वो हाथों पे थूक लगा लेते हैं और पेज पलटते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। हमारे मुंह में सीधा सीधा कीटाणु चले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कि और भी तरीके हैं जिससे लोग कॉपी या किताब का पेज पलटते हैं, या तो ऐसे पकड़ लेते हैं या ऐसे पकड़ लेते हैं, जिससे कि पेज की शेप ख़राब हो जाती है और सही नहीं लगता, जैसे आप इस नोटबुक पे देख रहे हो तो ऐसा हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हम तरीका देखेंगे। करना सिर्फ हमें छोटा सा ही काम है, कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं। हमारी जो उंगली है उसको हम इस कॉर्नर पे ऐसे रखेंगे, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा उसको पेज को उठाने की कोशिश करेंगे। जब उठाएंगे तो एक सिंगल पेज उठ जाएगा ऐसे ही, और इसको पकड़ के हम ऐसे पलट देंगे और ऐसे ही करते जाएंगे। अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो तो थोड़ी ही प्रैक्टिस में ये काम हो जाएगा। अभी हम ये नीचे की तरफ भी करके देखेंगे, यहाँ भी हम करते हैं तो ऐसे भी यहाँ भी हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। अब हम देखते हैं बुक पे, तो बुक पे भी ऐसे करेंगे। ये देखिए, सिंगल पेज ही उठेगा। अगर मान लीजिए सिंगल नहीं भी उठता, अगर डबल भी उठ जाए तो भी क्या है कि आपने ऐसे करना है उसको। दूसरा हाथ है, दूसरा हाथ लगा लें, उसको अलग कर लें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो ऐसे करने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिए, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। और ऐसे ही हम दूसरी बड़ी बुक में भी देखते हैं, थोड़े से पेज आगे ले जाते हैं। ये देखिए, ऐसे उठा लें और ऐसे पलट लें, अगर दो आ गए। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चल जाएगा अपने आप कि मेरे से दो पेज उठ गए हैं। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे देखिए सिंगल है, यहाँ पे भी आपको लगेगा डबल है तो आप खोल सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी क्रिएटिव।